everyone, welcome to session 106 of Environmental Studies. I am Dr. Shafila from IGNU Toast. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Toast will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the question number one. Areas that are under influence of DDT may observe a decline in population of birds. This is due to the fact that, देखो DDT पहले समझते हैं क्या है. DDT insecticide है. इसका पूरा नाम है, full form is dichlorodiphenyl trichloroethane. ठीक है. So DDT basically आपकी एक इसकी ये metabolize नहीं होती. अगर हम इसको हमारे अंदर इसका हम consume करते हैं, हमारे अंदर किसी भी चीज के थ्रू एक्सपोजर होता है टू डीडीटी, तो ये मेटाबोलाइज नहीं करती. इनफैक्ट इसमें कैपेबिलिटी है टू बायो मैग्नीफाई. एक्यूमुलेट भी होती है, बायो एक्यूमुलेट भी होती है, बायो मैग्नीफिकेशन भी होता है. इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है. मतलब ये बढ़ती रहती है. ठीक है. अगर पानी में डीडीटी है, पानी की फूड चेन से हमारे तक आने में हमारे में डीडीटी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. पानी में जितनी डीडीटी है, पानी से वो फाइटोप्लैंकटन के अंदर गया तो अमाउंट इंक्रीज, देन फाइटो से जूप्लैंकटन के अंदर गया, अमाउंट स्टिल इंक्रीज, जूप्लैंकटन से स्मॉल फिश में, स्मॉल फिश से बिग फिश में, देन हायर टॉप कार्निवोर. ठीक है. अगर हम उस फिश को खाते हैं तो हमारे अंदर डेफिनेटली डीडीटी का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें बायो मैग्निफिकेशन की कैपेबिलिटी है. बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल from one trophic level to another trophic level in a food chain. DDT bioaccumulate भी करती है, मतलब ये metabolize तो नहीं होती, but अगर हमारी body के अंदर है और अगर है तो धीरे धीरे वो accumulate करती रहती है, मतलब कट्ठी होती रहती है. और DDT जो है वो definitely वो हमें affect करती है. वो अगर हम options देखें, birds के point of view से अगर हम options देखें, so birds stop क्योंकि ये प्लेसेंटा के थ्रू, अगर सपोज कोई प्रेग्नेंट अगर फीमेल की बात करें, सो डीडीटी में कैपेबिलिटी है प्लेसेंटा के थ्रू न्यू बॉर्न जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके अंदर भी वो उसको भी अफेक्ट करती है डीडीटी. ठीक है. सो डीडीटी बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, इवन इंडिया में भी डीडीटी अभी नहीं मिलती. ठीक है. सो डीडीटी अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स क्या एग ले करना स्टॉप कर देंगे? दिस इज नॉट ट्रू. एग तो ले होंगे लेकिन वो इतना अंदर जा चुकी होगी एग्स के भी कि एग्स जो है जो भी पहली बात तो वो हैच ही नहीं होंगे. अगर हैच होंगे तो जो न्यू बॉर्न उसका जो बेबी है, बर्ड बेबी है, वो अलाइव ही नहीं होएगा क्योंकि उस पर डीडीटी का इंपैक्ट हो चुका है. ठीक है. सो बर्ड जो है एग तो ले करेंगे बट एग जो है वो हैच नहीं होंगे. एग्स डिड नॉट हैच. प्रिडेशन ऑफ एग्स इज इंक्रीज. दिस इज नॉट ट्रू कि एग्स को खाने वाले जो है प्रिडेशन वाले जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. दिस इज नॉट ट्रू. नन ऑफ द अबव. सो डीडीटी का इम्पैक्ट क्या होएगा? ये एक टॉक्सिक आपका, क्योंकि इंसेक्टिसाइड है बट इट इज वेरी टॉक्सिक. क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि इसको टॉक्सिक कैटेगरी में डाला बिकॉज इसका मेटाबोलाइज नहीं होता. एक तो होता है कि तुमने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करा, वो खत्म हो गया एनवायरनमेंट से, बट ये खत्म नहीं होता. इसमें बायो एक्युमुलेट और इसमें आपकी बायो मैग्निफिकेशन की कैपेबिलिटी है. तो अगर किसी का, अगर फीमेल का इस एक्सपोजर होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू इट में अफेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी, अनबॉर्न बेबी. एंड बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स जो है वो एग तो ले करेंगे बट एग जो है वो हैच नहीं होंगे. अगर हैच भी होंगे तो तब तक वो जो अनबॉर्न बेबी बर्ड था उसको वो अफेक्ट कर चुका होगा. सो आंसर इज बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजरिंग बीओडी. बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. इज प्राइमरली यूज्ड फॉर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वॉटर. अगर आपके पानी में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, वो पॉल्यूटेंट को डीकम्पोज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब डेफिनेशन से हमें ये समझ में आया है कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी. क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जितना ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम को
पॉल्यूशन को डिग्रेड करना पड़ेगा, उतने ही अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन को डिग्रेड करना पड़ेगा। सो बीओडी अगर ज्यादा है, सो दैट मीन्स ज्यादा आपके पानी में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, पानी पॉल्यूटेड है बेसिकली आपका। ऑप्शंस पढ़ते हैं कि बीओडी मेजर जो है, मेजर्ड बीओडी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर मेजरिंग बीओडी। हम बीओडी क्यों मेजर करते हैं? ऑप्शंस आर फॉर एस्टिमेटिंग द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। नो, माइक्रोब्स आर डिग्रेडिंग द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। माइक्रोब्स को जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम बीओडी बोलते हैं, तो वो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को एस्टिमेट नहीं करता। इट डिटर्मिन द लेवल ऑफ डीओ। देखो, कहीं ना कहीं पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है। पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तभी तो बीओडी ज्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पानी में पॉल्यूशन है, पानी में डीओ कम है। अगर ऑलरेडी पानी में डीओ होती तो ऑक्सीजन की डिमांड ही ना होती, बीओडी कम होती। सो कहीं ना कहीं बी इज ट्रू, कहीं ना कहीं। बट अगर हम सी ऑप्शन पढ़ें, एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, दिस इज ट्रू। अगर मुझे ये देखना है कि मेरे सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, आई विल एस्टिमेट बीओडी। जितनी बीओडी ज्यादा उतना ही ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, जितनी बीओडी कम उतना ही ऑर्गेनिक मैटर कम। सी इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर, मतलब बीओडी से तुम्हें ये तो पता लग जाता है कि बीओडी ज्यादा है मतलब पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, लेकिन हम बीओडी स्पेशली क्यों मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ठीक है। सो आंसर इज सी। बी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि बीओडी से तुम्हें ये पता चलता है, लेकिन मेजर स्पेसिफिकली हम बीओडी किस चीज के लिए कर रहे हैं? टू गेट द एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कॉस्मिक रेज सच एज गामा रेज आर अ सोर्स ऑफ, कॉस्मिक रेज जैसे कि गामा रेज जो है वो किसका सोर्स है? सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन या रेडिएशन पॉल्यूशन। सो कॉस्मिक रेज जो है या गामा रेडिएशन जो है, सो दोज आर दे कॉज द रेडिएशन पॉल्यूशन। सो ये जो गामा रेडिएशन है, रेडिएशन पॉल्यूशन है, डेफिनेटली अगर हमारा एक्सपोजर ज्यादा होता है तो हमारा टिश्यू डैमेज होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। सो वी हैव लाइक इसका गामा रेज का या रेडिएशन पॉल्यूशन का हम पे हार्मफुल इम्पैक्ट है बेसिकली। सो कॉस्मिक रेज जैसे कि गामा रेडिएशन, वो सॉइल पॉल्यूशन नहीं करती, नॉइज नहीं करती, थर्मल मतलब हीट पॉल्यूशन, और वो पानी में होता है, ठीक है। अगर गर्म पानी तुम एक्वाटिक बॉडी में ऐड कर दो, सो उससे आपका थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है। या अगर हम रेडिएशन पॉल्यूशन की बात करें, दैट इज बिकॉज ऑफ रेज, इट कैन बी रेडियो वेव्स, इट कैन बी गामा वेव्स, इट कैन बी एनी कॉस्मिक वेव्स, ठीक है। सो आंसर इज रेडिएशन। सो वन ऑफ द इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया, लाइक डैमेजिंग ऑफ टिश्यूज। द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज, देखो पहले क्योटो प्रोटोकॉल देखते हैं ये क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल हमारा आया था 1997 में, ठीक है। ये दो फेजेस में आया था। फर्स्ट जो इसका फेज था वो खत्म हो गया आपका 2012, सेकेंड फेज तो था वो 2020 में खत्म हो गया। सो अभी जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इट हैज बीन चेंज टू द पेरिस अग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल आया था इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिकॉज दे आर ट्रैपिंग द रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशंस, जो अर्थ से रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशंस हैं उनको क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है। सो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए हमारे पास आया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जो कि दो फेजेस में चला। एक फेज उसका 2012 में खत्म हो गया और दूसरा 2020 में खत्म हो गया। उसके बाद ये चेंज हो चुका है टू द पेरिस अग्रीमेंट एंड इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल प्रोटोकॉल। हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं, इट इज फॉर द रेगुलराइजेशन रेगुलेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट, नो। रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, नो। कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना, ग्रीन हाउस इफेक्ट ने होना ही है। वी डू हैव मेनी गैसेज इन एयर जो नेचुरली हैं और वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन हम लोगों की एक्टिविटीज के कारण उन गैसेस का कंसंट्रेशन एयर में बढ़ रहा है। लाइक वी आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन, हम लोग फ्यूल बर्न करें तो मीथेन, CO2 जैसी गैसेस इंक्रीज हो रही है, जो कि आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। सो अगर हम ये क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, कि हम ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटीज रोक लें, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन, ऐसी हम लोग ह्यूमन की एक्टिविटीज को रोक लें जहां से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। सो इट वॉज रिलेटेड टू डैट। और
ग्रीन हाउस गैसेस की जगह अगर ग्लोबल वार्मिंग भी ऑप्शन में होएगा तो दैट विल बी ऑल्सो एन आंसर. लास्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ वॉटर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ वॉटर पॉल्यूशन. कंटेमिनेटेड वॉटर अगर तुम्हें बताना है कि वो कौन सा है, सो जाइगोस्पोरेंजियम, जाइगोस्पोरेंजियम बेसिकली आपका इट्स अ स्ट्रक्चर इन फंगस. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. ई कोलाई की अगर हम बात करें, ई कोलाई की देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज. सम आर हेल्दी, लाइक सम जो है आर हार्मफुल, सम आर गुड. मोस्ट ऑफ द ई कोलाई की जो स्पीशीज है दे आर गुड. ई कोलाई एक हेल्दी पर्सन के इंटेस्टाइन में है, सो मतलब ई कोलाई हमारी बॉडी के अंदर है. लेकिन ई कोलाई जो है, जो उसकी बैड जो हम कह रहे हैं कि हार्मफुल जो इसकी स्पीशीज हैं, दे कैन बी इन आर फूड, दे कैन बी इन आर वाटर. सो ई कोलाई से हमें स्टमक में इन्फेक्शन होने के चांसेस है अगर बैड ई कोलाई का एक्सपोजर होता है. सो अगर तुम्हारे, देखो पीने के पानी में हमें ई कोलाई नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा इवन ह्यूमन के वेस्ट की अगर हम बात करें, हमारे फीकल मटेरियल में भी ई कोलाई होता है, सो दैट इज बैड ई कोलाई. अगर आपके पीने के पानी में ई कोलाई है, ई कोलाई इज बैक्टीरिया, अगर वो आपका बैक्टीरिया पीने के पानी में है, इट इज एन इंडिकेटर योर पीने का जो पानी है इट इज कंटेमिनेटेड. ठीक है, सो वॉटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर आपका क्या है, ई कोलाई. डाइनोकोकस, डीनोकोकस रेडियोडुरान, ये आपके बैक्टीरिया ही हैं विच आर रेजिस्टेंट टू रेडियो रेडिएशन, नन ऑफ अबव. सो बेसिकली वॉटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर आपके पास क्या है, दैट इज ई कोलाई. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर पीजी और यूजी डिग्री फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट. वी एट इग्नू दोस्त आर प्रोवाइडिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. वी आर गिविंग वैल्यू एडेड नोट्स टू आर लर्नर्स. वी आर ऑल्सो हेल्पिंग आर लर्नर्स फॉर एग्जाम थ्रू एग्जाम पीडीएफ. इन इग्नू दोस्त अ कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल मेंटर्स इज देयर हु आर हेल्पिंग इन कम्प्लीटिंग एंड सबमिटिंग द असाइनमेंट्स. हु विल बी हेल्पिंग यू फॉर योर करियर डेवलपमेंट and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of Igloo Dost. Thank you. See you in the next session.